अगर ये हमारा प्रोग्राम आप लाइव देखना चाहते हैं, जी हाँ लाइव देखना चाहते हैं, अपने YouTube सेक्शन पर टाइप करें अनुभव कैसेट, अनुभव कैसेट जिसके प्रोप्राइटर हैं सौवेश भैया जी निवासी करियामई। तो इसी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी जिंदाबाद कायम रहे, ये अंधेरा कायम कायम रहे, कायम रहे मेरे अका कायम रहे। सब सबा कर खड़ा हमें भूख भूख लगी है भूख, अभी तक हम भूखे हैं। दब दबा दब दबा थर थरा लड़की को तलाश करो जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती हो, जिसके सर पर दो चोटी हो, जिसकी लाल शॉल हो, उसके कान चबा जाऊंगा। तलाश करो तब दबा ये बैठी है सामने, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये खड़ी है भाग में आ रहा हूँ, कहाँ तक भागेगी। ये काली पहाड़ी जब तक कायम नहीं रहेगी कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, पूरा पश्चिम उत्तर मैंने तीन दिशाओं को जीत लिया, इन तीनों दिशाओं में भूतों का राज है, एक दिशा बची है दक्षिण जिसका कि राजा उग्रसेन, इसकी पतिव्रता स्त्री जिसकी कोख से मेरा काल पैदा होगा। आज कहना उस काम को कर देना चाहिए, अपनी बहन सुंदरी किंकरी को भेज कर आज आज वो राजा वो दक्षिण दिशा को आ रहा है। आज मैं
अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। इस राजा को अपनी बहन सुंदरी कुंकड़ी को भेजकर ऐसी प्यार से, मक्कारी से, अयारी से या गद्दारी से, हाँ से अपने प्रेम में पागल करेंगे। और सुंदरी दबदबा बोलो तरतरा किंकड़ी कहाँ है? वो आराम कर रही है, बताओ मेरे लिए क्या काम है? किंकड़ी कहाँ है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मैंने तुम्हें क्यों प्रकट किया है। क्यों प्रकट किया है? आज तुम्हें मेरा काम करना होगा। क्या सुंदरी, तू नहीं जानती कि संसार इस दुनिया के अंदर तुझे और मुझे मारने वाला कोई अभी तक पैदा ना हुआ है। ना कोई मार सकेगा, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना आगे से, ना पीछे से, क्योंकि तेरा मेरा कार सात समुद्र पार अखेवर के पेड़ पर एक बगुला और बगली जिसे तेरा मेरा काल है, उस काल को जन्म देने वाली अभी जिंदा है। तुम्हें एक काम करना होगा। दक्षिण दिशा में जो राजा है उग्रसेन, उसकी स्त्री है पतिव्रता, जिसकी कोख से मेरा काल पैदा होगा। उस राजा को अपने प्यार से, मक्कारी से, अयारी से, गद्दारी से किसी तरह से अपने प्यार में फंस कर उस स्त्री पर वो तामत लगाओ कि राजा उसे मरवा दे। वो मर जाएगी, चारों दिशा में भूतों का राज हो जाएगा और हम उन भूतों के हो जाएंगे भूत। काली पहाड़ी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। देखो वो राजा आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ गया मेरा। इधर आओ, देखो वो राजा आ रहा है, उसके साथ एक मंत्री है। एक काम करें, देखो राजा आ रहा है भाई। अब मैं जा रहा हूं, तुम जाओ, मैं मुझे भूख लगी है, भूख। ठीक है, आप जाइए। अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जो अभी यहाँ से भागी थी। तब सबा तर तरा जाओ जाओ, पता लगाओ कि आपको लड़की कहाँ है। तब सबा तर तरा तब सबा तर तरा वो बैठी है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ
चलते उस राजा के लिए छल से बल से उसे राजा के लिए अपने कब्जे में करना है। अपनी आंखों के सितारों में छिपा ली हम उदम, अपनी आंखों के सितारों में छिपा ली हम उदम, अपनी आंखों के सितारों में छिपा ली हम उदम, तारीख चले भाई दबो सरकार ओ बालको बैठ जाओ, ये दक्षिण दिशा आ चुकी है, चलो दक्षिण में ही शिकार खेलते हैं। चलिए चले आओ, सामने देख रहा है हिरन और हिरनी का जोड़ा आ रहा है, देख रहा है। हाँ। मैं शिकार तू किसकी करेगा? मैं तो हिरनी की करूंगा। हिरनी की? हाँ। और मैं करूंगा हिरन की। ठीक है, तो हिरनी को मैं देखे लेता हूँ। ठीक है, आज ही देखूंगा। चलो हिरनी को। ये हिरनी नहीं है। और अरे ये तो लड़की है। और मर गई। अरे पानी लाओ। सरकार पानी कहाँ से लाऊं? अरे कुएं में से। मैंने की नलका या कुएं का? अबे नलका ही लेके आ जा जल्दी से। सरकार पानी गरम लाऊं ठंडा? अबे नालायक जैसा लेके आ वैसा तो ले आ। मैंने की समुद्र का लाऊं गंगा जी का? जब तक मरीज मर जाएगा तू पानी लेके आएगा। कहो देवी। सरकार हाथ क्यों लगा रहे हो? कहो देवी। तीर कहाँ मारा? हमने तो शिकार के धोखे में आपके तीर मारा, लेकिन आपके तीर लगा कहाँ है? हाथ लाओ मैं बताती हूँ तुम्हारे तीर कहाँ लगा है। ये देखो ये लगा। ओ बेटी ओ बेपी दिल की आरम पार है, न जाने किसकी जीत है न जाने किसकी हार है। ओ बेटी ओ बेपी दिल के आरम पार है, न जाने किसकी जीत है न जाने किसकी हार है। एक बार भूल के मैं तेरी गली आ गई, एक बार भूल के मैं तेरी गली आ गई, लड़ गए मेरा नजर शर्मा गई, लड़ गए मेरा नजर चकरा गई। ओ बेटी दिल के तीर, ओ बेटी दिल के तीर, दिल के आरंभा न जाने। अरे एक बात तो बताओ, तुमने अपना ये तीर जो बताया, हाँ सीना पे बताया, यहाँ लगा है जी। डब्बू जी, ये लड़की गलत सलत मालूम पड़ रही है। सरकार इसका तीर सीने पे लगा है जो दिल के अंदर करता है धुक पुक धुक पुक धुक पुक। एक बात तो सुन, इसने मेरा हाथ नाजायज जगह पे रख दिया। गाड़ी पेट्रोल मांग रही है। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कहा था दक्षिण दिशा की तरफ जादू है, ये कहीं जादूगरनी तो नहीं? जादूगर की होती तो शादी को नहीं कहती, हमें करवा दो तुम ना करो तो पूरे लॉकडाउन से खाली फिर रहे हैं। मेरा मन करता है कि इससे बात करो। देवी कही
तो अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पहले से फर्क है। तो अब हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? और क्या, आप जाके देखो तुम्हें अंधा कर दूंगी मैं, ये जादू की मारे मेरे पास। ये क्या कह रही है सरकार? अंधा करने को देखो, एक बार बताऊं, अंधे तुम हो जाओगे? पूछो कैसे, मोहब्बत में अंधा हो जाता है आदमी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा जी, तुम भी करती हो? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो लेकिन हमारे तो महारानी घर में है, तू तो हट जा पीछे को। तुम भी चाह रहे हो? हमारी रानी घर में मौजूद है, आप तो दूसरी रानी हो। हैं? ठीक है, दूसरी रह लूंगी मैं। दूसरी तैयार हो रहने को? लेकिन शर्त क्या है तुम्हारी? उसमें शर्त भी है। क्या शर्त है? जो मेरी कोख से संतान पैदा होगी वो इस राज के मालिक होगी। यानी जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, हाँ, राज का मालिक होगा। राज का मालिक होगा, बड़ी रानी का बच्चा राज का। हाँ, उसके तो बच्चा है ही नहीं, आज तक बच्चा ही नहीं हुआ उस पे तो कोई भी। इंजेक्शन से हो जाते हैं। तुम तो ऐसी बातें करते हो बेफिजूल की। और दूसरी शर्त मेरे कहीं भी जाओगे मेरे बिगर इजाजत के नहीं जाओगे। दूसरी शर्त तुम्हारी यह है कि तुम्हें पूछ के जाना है जहाँ कहीं भी जाना। जहाँ कहीं भी जाओगे आप, इधर आ। ये आपने क्या बात कही, पूछ के जाना है? पेट में दर्द हो, लैट्रिन लग रही है, पूछ के जाए? यही काम रह गया तुझसे? अरे राजकाज में बहुत बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। मंजूर है? हाँ। जाड़ा बुखार आ रहा हो, डॉक्टर को पूछ के ही जाओ ना। वो चीज अलग है, और कोई शर्त तो नहीं है? तो बता दियो। ना ना, और कोई शर्त नहीं है। यही शर्त है? यही शर्त में आपसे शादी करनी चाहती हूँ। डब्बू गंधर्व शादी, गंधर्व। मंगलाओ विष्णु, मंगलाओ बड़ा। क्या कर रहे हैं आप? लड़की का हाथ ऊपर रख रहे हो, ये ऊपर रहेगी, तुम नीचे रहोगे। लड़की का हाथ नीचे। मंगलाओ विष्णु, मंगलाओ बड़ा तजा, मंगलाओ पुंडी का अक्षय। ये क्या कर रहा है? देखिए, गंधर्व विवाह किया है आपका, ये हाथ मंडप के नीचे आ गया। ठीक है, अब गंधर्व विवाह हो गया, जब तक दो मिनट बातचीत करो। दिल में आता है बातचीत तो इनसे करते ही रहे। अरे गुस्से नहीं, हमें तुमसे प्यार कितना।